हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगेश कुमार देशमुख, असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग। टुडे इन रोबोटिक्स वी आर गोइंग टू फर्दर अवर आरपीवाई रिस्ट काइनेमेटिक। आरपीवाई मींस रोल पिच यॉ। ओके, रोल पिच यॉ काइनेमेटिक मॉडल। इसके लिए हम लोग एक 3D स्पेस में रोल पिच यॉ ट्विस्ट के लिए एक रिवॉल्यूट हैज 3 रिवॉल्यूट जॉइंट्स। इसमें तीनों रिवॉल्यूट जॉइंट होंगे, ठीक है। टू गेट द डायरेक्ट काइनेमेटिक मॉडल हम लोग एक एज्यूम करेंगे एक एंड इफेक्टर स्टेशनरी पोजीशन के लिए और फ्रेम जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। ये देखिए, ये फिगर है जिसमें जॉइंट वन, जॉइंट टू, जॉइंट थ्री दिखा रहा है। यहाँ पर एंड आर्म है, एक रोल हो रहा है, ये वाला पहला वाला आर्म जो है रोल हो रहा है, दूसरा पिच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर पिचिंग पोजिशन हो रही है और ये यॉ कर रहा है, ऊपर नीचे मूव, ये घूम रहा है, ऐसा ऐसा घूम रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये घूम रहा है ऐसा ऐसा, ओके। तो 3 डिग्री ऑफ आर पी वाई रोल पिच यॉ है, तीनों रोटे, तीनों रिवॉल्यूट जॉइंट हैं, घूम रहे हैं तीनों, ठीक है। तो इसमें फ्रेम वन और लिंक वन एक एक्स एक्सिस में फिक्स है, एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू बोथ जेड नॉट एक्सिस, ठीक है। इसमें वाई एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि दो ही एक्सिस में काम कर रहा है पूरा, ठीक। और फिक्स्ड एंड इज फिक्स्ड ओरिजिनेट जॉइंट टू, ठीक है। द पॉइंट वेयर एक्सिस जेड नॉट एंड जेड वन इंटरसेक्ट, ठीक। ये देखिए दोनों पे, यहाँ पर इस जगह पे जेड नॉट और जेड वन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हम इससे एल्गोरिथम लेते हैं और हम लोग फ्रेम डिज़ाइन करते हैं तो देखिए क्या बोलता है इसमें, द ओरिजिन ऑफ फ्रेम टू, फ्रेम टू मतलब जॉइंट, ये जॉइंट वन है, ये फ्रेम टू यहाँ पर आएगा जॉइंट टू के पास, ठीक है। फ्रेम टू में क्या बोल रहा है, एक्स टू और जेड टू एक्सिस जो है वो ओरिजिन पे, सेम ओरिजिन पे ही है, ठीक है। सेम ओरिजिन पे फ्रेम वन पे ही लाई कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये जेड नॉट पे ही ट्विस्ट हो रहा है, ये एक्स वन है, ट्विस्ट होगा जब यहाँ पर रोल हो रहा है, रोल हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, खसक गए इधर इस जगह पे थीटा टू एंगल से, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, पिच हुआ तो फिर से ये खसक गया, पिच हुआ तो जेड टू पे पोजिशन चेंज हुआ, इंटरचेंज हो गया, ठीक। फिर यॉ मोशन हुआ तो उसी जगह पे रहा, यॉ मोशन में क्या हुआ, सिर्फ आगे पीछे होगा इस तरीके से, यॉइंग इफेक्ट आगे पीछे हुआ तो यहाँ पर देखिए एक्सिस चेंज नहीं हुआ इस जगह पे, यॉइंग इफेक्ट में कुछ नहीं हुआ, यहाँ रोल हुआ, यहाँ पिच हुआ और यहाँ पर यॉ हुआ। यॉ होने पर क्या हुआ, सिर्फ आगे पीछे होगा और पिच होने पर घूमेगा और रोल होने पर घूमेगा, ठीक है। तो ये सेम हुआ। अब इसका टेबल बनाएंगे तो देखिए क्या हो रहा है, AI लिंक लेंथ पूरा जीरो है, अल्फा आई ट्विस्ट, लिंक ट्विस्ट दो बार ट्विस्ट हुआ, एंगल चेंज हुआ, देखिए यहाँ पर इस जगह से इस जगह पे 90 डिग्री पे, फिर इस जगह से इस जगह पे है तो 90 डिग्री दोनों पे चेंजेस हुआ, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे जीरो, DI डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्योंकि सिर्फ रोलिंग हो रहा है, ठीक है। रिवॉल्यूट जॉइंट है, प्रिज्मेटिक जॉइंट नहीं है। और थीटा यहाँ पर देखिए, थीटा वन यहाँ पर है DI पे, फिर ये थीटा टू प्लस 90 डिग्री हुआ, ये थीटा थ्री, और क्यू आई क्या हुआ, तीनों में चेंजेस क्या हुआ, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री। और जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर ये सी थीटा आई, एस एस थीटा आई, सी अल्फा आई और सी क्यू आई, हमको एस अल्फा आई मिल जाएगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, अब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाएंगे इससे। तो जीरो से टी वन के लिए फिर देखिए यहाँ पर जेड एक्सिस में फिर हुआ, वाई नहीं है यहाँ पर, वाई कंसिडर नहीं हुआ, तो ये वाला मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया पिछले क्वेश्चन जैसा, ठीक है। फिर वैसे ही टी टू के लिए और टी थ्री के लिए तीनों मिल गया, तीनों मैट्रिक्स में हम लोगों ने वैल्यू ले लिया, टेबल से डायरेक्ट पुट कर दिया। फिर ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होगा आर पी वाई के लिए, तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्योंकि जीरो से टी थ्री तक आना है, तो जीरो से टी वन, फिर वन से टी टू, फिर वन, फिर टू से टू टी थ्री, यहाँ तक पूरा तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो हम लोग को मिलेगा ये फाइनल मैट्रिक्स 4x4 का, ठीक है। इसमें सी वन क्या है, सी थीटा वन, एस टू क्या है, साइन थीटा टू, सी थ्री क्या है, सी कॉस थीटा थ्री, ठीक है। वैसे ही वन टू थ्री यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं थीटा वन, थीटा टू और थीटा थ्री को, ठीक है। इनमें वैल्यू रखेंगे तो आर पी वाई का रिस्क का पोजीशन मिल जाएगा। थैंक यू।